दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये VW की पोलो है, 2014 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। हमने AC चालू रखा है, जैसा कि आप कंट्रोल पैनल में देख पा रहे हैं, लेकिन बट कूलिंग टेम्परेचर आप देख रहे हैं 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कूलिंग हो ही नहीं रहा है। कूलिंग क्यों नहीं हो रहा है आपको बाहर दिखा दे रहा हूँ, कूलिंग क्यों नहीं हो रहा है इसका। गैस भी सब प्रॉपर है, चलो बाहर देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हाई और लो मैंने लगा के रखा है, गाड़ी चालू है अभी और AC चालू है अंदर से। और इसका कंप्रेसर का पंपिंग जो आप देख पा रहे हैं, कितना पे आ रहा है, 80 पे आ रहा है। और हाई प्रेशर देख पा रहे हैं, 100 के ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। गैस भी सब प्रॉपर है, लेकिन बट कूलिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका कंप्रेसर जो आप देख पा रहे हैं, कंप्रेसर फेल हो चुका है, यानी कंप्रेसर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से कंप्रेसर के अंदर जो वाल रहती है, वो वाल भी इसका रिप्लेस करेंगे, फिर इसको फिटिंग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बाहर दिखाया कि कंप्रेसर चालू है, सब चालू है, गैस भी प्रॉपर है, तो कूलिंग नहीं हो रही है। कूलिंग क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इसका कंप्रेसर जो है ना, पंपिंग क्रिएट नहीं कर रहा है, पंपिंग बना नहीं रहा है, इसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रही है। तो हम इसका कंप्रेसर खोलेंगे, खोलने के बाद इस कंप्रेसर के अंदर एक वाल रहती है, वो वाल रिप्लेस करके एक बार देख लेंगे कि पंपिंग बना रहा है क्या नहीं बना रहा है। चलो फिर हम इसको खोलने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका गैस रिकवरी कर लेते हैं, जो गैस है अंदर सिस्टम में, वो गैस निकाल लेते हैं। सब गैस निकाल लूंगा, फिर आगे जैसा आप देख पा रहे हैं, ये कंप्रेसर खोलेंगे हम, खोल के बाहर लेते हैं। चलो फिर आगे कंप्रेसर खोल लेते हैं, फिर बाहर आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं कंप्रेसर बाहर निकाल दिया हूँ। ये रही इसका कंप्रेसर, आप देख पा रहे हैं, क्लच वाला कंप्रेसर है, 2014 का पेट्रोल का है। इसके अंदर एक वाल रहती है बैक प्लेट के पीछे, इसके पीछे, वो वाल हम रिप्लेस करेंगे, फिर देखेंगे कंप्रेसर चल रहा है क्या नहीं बराबर। तो चलो फिर हम इसको खोलते हैं। ये रही इसका कंट्रोल वाल, जो कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कौन सी गाड़ी में लगता है। ये कंट्रोल वाल हमने चेंज किया है इसका, जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारी कंप्रेसर बन के आ चुकी है। इसका वाल जो है हमने चेंज कर दिया है और इसको फिटिंग करने जा रहा हूँ। तो चलो हम फिटिंग करते हैं, फिर देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंप्रेसर प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है, सर्किट वगैरह लग चुकी है, बेल्ट वगैरह सब लग चुका है। ताकि आप देख पा रहे हैं, पाइप वगैरह दोनों भी बैठ चुका है, ये पाइप। चलो फिर मैं थोड़ा ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंप्रेसर प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। चलो अब हम फिर इसमें वैक्यूम वगैरह लगा लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाई और लो दोनों लगा दिया हूँ, और मैं इसको वैक्यूम में लगा देता हूँ। मिनट के लिए वैक्यूम लगा दी हूँ और 10 मिनट बाद फिर हम मिलते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं, वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है, देख पा रहे हैं। बंदी को गैस चार्जिंग में लगा लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल मार देते हैं। इतना काफ़ी है और हम इसको गैस क्लीन कर लेता हूँ। 400 ग्राम गैस मारता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं गैस जा रहे हैं। और मैं हाई वाला को बंद कर देता हूँ, ताकि गैस सर्कुलेशन ना हो पाए। तो चलो अब हम अंदर जाते हैं, गाड़ी चालू करते हैं, फिर AC चालू करते हैं और फिर देखेंगे क्या हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और गाड़ी चालू कर रहा हूँ। गाड़ी चालू हो चुकी है और हम इसका AC चालू कर लेते हैं। ब्लोअर चालू है, कंप्रेसर चालू हो चुका है अभी। अब हम इसका कूलिंग टेम्परेचर तो नहीं देखेंगे, सबसे पहले कंप्रेसर का पंपिंग देख लेते हैं, पंपिंग कितना बना रहा है या नहीं बना रहा है। चलो बाहर चलते हैं। आप देख पा रहे हैं, गाड़ी चालू है और AC चालू है, कंप्रेसर ऑन है। इसका पंपिंग जो देख पा रहे हैं आप, सक्शन प्रेशर कितना आ गया है, 20-25 पे आ गया है, जो कि मस्त पंपिंग बना रहा है, यानी वो वाल्व चेंज करके अपना काम हो चुका है। चलो अंदर कूलिंग टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, कूलिंग कितना हो रहा है। ताकि आप देख पा रहे हैं, AC चालू है अपना, आउटसाइड एयर भी बंद है और कूलिंग टेम्परेचर 12 पे आया है अभी। थोड़ी देर रुक जाते हैं, कितना तक जा रहा है देख लेते हैं हम। ग्यारह पे आ चुका है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं हम। ताकि आप देख पा रहे हैं, 4.9 पे कूलिंग टेम्परेचर आ गया है, यानी कूलिंग प्रॉपर हो रहा है।
तो इसका मोड बटन वगैरह सब चेक कर लेते हैं। मैक्स चल रहा है, ये भी चल रहा है, फ्रंट वाला भी चल रहा है, लेग मोड भी चल रहा है, आउटसाइड एयर भी चल रहा है, एसी ऑन ऑफ सीट भी चल रहा है। लोड कम कर देता हूँ और हीटर हाई पे करता हूँ, देखता हूँ हीटिंग टेम्परेचर कितना जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हीटर टेम्परेचर बढ़ रहा है। थोड़ी देर वेट करता हूं और देखता हूं हीटिंग टेम्परेचर कितना तक जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 52-53 तक आ चुका है, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज प्लीज।